सबको जय शु जोहार और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं दीदी की दुकान और अभी मैं एक्चुअली मेरे पीछे देख रहे हैं मार्केट है और मैं हूँ राउरकेला में और एक्चुअली मैं यहाँ से रास्ते से क्रॉस कर रही थी, मैं अपने कुछ काम से आई थी और मेरा कोई पर्पस नहीं था आज ब्लॉग बनाने का, बट आप लोग से कुछ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ इसीलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ। अगर वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो तो आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। एक्चुअली अगर आप लोग को मोमोज खाना होता है या पूरे राउरकेला में अगर आपको पाव खाना है तो शायद ही कहीं मिले, और आपको सभी को पता ही है कि छेंड में जो है वो ऑथेंटिक मोमोज वो बहुत ही फेमस है और वहाँ पे मोमोज मिलता है, पाव मिलता है और सभी को वहाँ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से अभी जस्ट पता चला कि कुछ दिनों से लाइक भैया का दुकान वहाँ पे बंद हो गया है। तो अगर आपको ऑथेंटिक मोमोज खाना है और पाव खाना है तो आपको छेंड में नहीं मिलने वाला है, आपको आना पड़ेगा राउरकेला, और राउरकेला में आपको आना पड़ेगा कहाँ मैं वो आपको, अगर आप पानपुर से राउरकेला की ओर आते हैं तो आपको मयूरी के सामने इधर इसके ऑपोजिट में आपको स्टाइल बाज़ार मिलेगा और स्टाइल बाज़ार का ठीक कॉर्नर में ठीक नीचे में यहाँ पर ऑथेंटिक मोमोज के मिल जाएगा आपको, यहाँ पे पाव भी मिल जाएगा आपको, मोमोज भी मिल जाएगा। सो आपको जो कुछ भी खाने को मिलता था छेंड में वो आपको यहाँ भी वही मिलेगा आइटम, लेकिन अगर खाना है तो छेंड में नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा। तो आप लोग अगर आते हैं राउरकेला तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब जगह है जहाँ पर आप लोग आपको अच्छा खाने को मिल जाए। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ऑथेंटिक मोमोज के जो ऑनर है भैया नीलेश, ना नीलेश भैया, और उनके टीम है यहाँ पे। तो चलिए उनसे मिल के पूछते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। ठीक है, शहर का दुकान वही जो है ऑथेंटिक चलिन मोमो, वो शिफ्ट हो गए मेन रोड पे है, ये सेल बाजार के अपोजिट में। तो अपने जो भी कस्टमर्स लोग अगर देख रहे होंगे उनको यहीं पे आना पड़ेगा, है ना। तो ये भैया का लाइक थर्ड टाइम में शिफ्ट हुआ है, पहले छेंड में एक रोड साइड में लगाते थे, फिर सेकंड टाइम में उनका हो गया था बीएसएनएल चौक में, और ये थर्ड टाइम है जहाँ पे आपको स्टाइल बाजार के नीचे आना पड़ेगा। सो जो कोई भी आते हैं इधर पे आप लोग जरूर आइएगा।